हमारे पद्म के आज के अंक में देखें उल्लेखनीय रूप से प्रतिभाशाली पद्मश्री अवार्डी महीपत कवि को, जो हैं गुजरात के मशहूर कठपुतली कलाकार। इन्होंने अपने जीवन के 6 दशक कठपुतली कला के लिए समर्पित किए हैं और इसके माध्यम से कई मंचों पर सामाजिक जागरूकता भी पैदा की है। कठपुतली के उस्ताद महीपत कवि लगभग 1960 से कठपुतली नाट्य कला को समर्पित हैं। 1975 में अहमदाबाद में पपेट्स एंड प्लेज ग्रुप की स्थापना की। 100 से अधिक कठपुतली नाटक लिखे, जिनका देश विदेश में मंचन किया और कितने ही पपेट प्रेमियों को निस्वार्थ भाव से इस कला में प्रशिक्षण भी दिया। पपेट क्या है? पपेट उसके नाटक का पात्र है। कई देशों का प्रवास किए और वहाँ रामायण और कृष्ण लीला बताई कि जिससे जीने का ढंग उनको लोगों को पता चले। विदेशों में भी पपेट तो है, पर हमारे जो ट्रेडिशनल पपेट है वैसे उनके पास ट्रेडिशन नहीं है। महीपत जी ने पुतुल कला को जन जागरूकता का अहम माध्यम बनाया। अपने पुतुल नाटकों के माध्यम से परिवार नियोजन, HIV/AIDS, पर्यावरण आदि विषयों पर कठपुतली फिल्मों और विभिन्न टेलीविजन कठपुतली धारावाहिकों का भी आयोजन किया। भारत के हर एक राज्य में अपना अपना एक पपेट शो होता है, उनका ट्रेडिशनल है। अब उसका उद्धार करने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि इनको दिखा करके हम बच्चों के संस्कार को सुधार सकते हैं। 1970 से 76 में मैं अहमदाबाद में था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, और शाम को दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में पपेट सेक्शन था। यहाँ कवि जी भी काम कर रहे थे दर्पणा में मेहरबेन के साथ, और महीपत जी एंड हिज वाइफ लीलाबेन वो वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन म्यूजिक, क्राफ्ट, कॉस्ट्यूम। और ये चीज़, आई थिंक दिस इज़ वॉट इज़ द गिफ्ट दैट महीपत जी हैज़ गिवन टू अस मॉडर्न पपेटियर्स। और इनमें उन्होंने लोक कथा है कि है, एपिक्स है, रामायण की भी की है कहानियाँ, और उनकी डिज़ाइन या उनके मटीरियल्स से जो उनके पास है इससे, तो ही स्पेशल इन दैट। और वी आर वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश है कि इट्स ओवर ड्यू, 91 years old एंड ही गॉट द पद्मा अवार्ड, सो दैट इज़ वेरी गुड। पुतुल कला अत्यंत प्राचीन कला है। 400 ईसा पूर्व पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी पुतुल नाटक का उल्लेख मिलता है। इसे लोक नाट्य की ही एक शैली माना गया है, जो कई कलाओं का मिश्रण है, जिसमें लेखन, नाट्य कला, चित्र कला, वेशभूषा, मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र निर्माण कला, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य आदि सब सम्मिलित है। बदलते दौर में इस प्राचीन कला को सब परिवार आगे बढ़ा रहे हैं महीपत कवि। पुतुल नाट्य कलाकार महीपत कवि को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।